हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की सब्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मूली की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए हम इस मूली की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन गरम होने के लिए रख देते हैं। तो पैन हमारा हल्का सा गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आपके घर में जो भी ऑयल यूज होता है आप उसे डाल सकते हैं। क्योंकि हम मूली की भुजिया जैसी बनाते हैं इसलिए इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा भून लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, इनको मैंने बारीक काट लिया हुआ है, उसे भी डाल देंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर कितना चेंज हो गया है। साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये मूली, 500 ग्राम मूली को मैंने धुल के अच्छे से बारीक स्लाइस काट लिए हैं। आप इसे गोल भी काट सकते हैं, आप जिस तरीके से कट करना चाहें इनके उस तरीके से पीस कर सकते हैं। मिला देंगे अच्छे से। अभी हमें इसमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करने हैं, सारे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। थोड़ी देर मूली को ऐसे फ्राई होने देंगे और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसे पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि मूली नीचे लग तो नहीं रही है। मिक्स कर देंगे, फिर से कवर कर देंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि मूली जल तो नहीं रही है नीचे से। तो अब आप देख सकते हैं अबाउट 50% मूली कुक हो चुकी है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, मूली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिए क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है। 1 चम्मच यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल ली हूँ, इससे इस पे खट्टापन आएगा क्योंकि इसमें हमें टमाटर नहीं ऐड करने हैं, तो आमचूर डालना इसमें कंपलसरी है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे जिससे मसालों का अच्छा सा एरोमा इसके अंदर आ जाए। लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। तो
मूली की भुजिया सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप जब भी इसे सर्व करें, इसके साथ दाल के साथ खाएं तो बहुत अच्छी लगती है ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।